चलो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम की हम बात करने से पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? बाइनोमियल का मतलब है जिसमें कितनी टर्म हो, बाई मतलब दो टर्म्स, ठीक है ना। जैसे कि 2x+5 है ना, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल अपन किसमें पढ़ चुके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो अब अपन बाइनोमियल थ्योरम के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ते क्यों हैं उसके बारे में पहले समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए? दो टर्म्स हो। जैसे कि यहाँ पर 2x+5, x+y है ना, px+q, यहाँ पर भी दो टर्म है, वेरिएबल भले ही 1, 2, 3, यहाँ पर टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म दो है। तो ये क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा है, x+y^2 क्या होता है? x²+y²+2xy, यही होता है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ x+y^2000, फिर आप क्या इसे एक्सपेंड, आपने सीखा ही नहीं है इस चीज़ को अपन एक्सपेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ता है? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर है एकदम, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने का कारण है कि किसी भी बाइनोमियल के पावर को एक्सपेंड करना अपन कैसे सीखेंगे, उसकी मदद से हम सीखेंगे। किसकी मदद से? बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। तो हेडिंग डालो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। इसमें पहला पॉइंट डालो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। When two terms exist in any expression, this expression is known as binomial expression. Expression is known as binomial expression. ठीक है ना। बाजू वाले से पूछ लो, अब न्यूटन साहब आए। न्यूटन सर फिजिक्स में आते हैं, मैथ में भी आ जाते हैं, काफी जगह मैथ में न्यूटन आता है, है ना। तो उन्होंने एक थ्योरम्स दी, वैसे तो इसे सब लोग बाइनोमियल थ्योरम, पर न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा? किसी भी एक्सप्रेशन को, एन एक्सप्रेशन को, जिसकी डिग्री एन हो, उसको हम कैसे खोलेंगे? मान लो लिखा हो कहीं x+a^n, ठीक है ना, x+a^n, तो इसको कैसे खोलेंगे? nc0 x^n a^0 +nc1 x^n-1 a^1, ठीक है, +nc2 x^n-2 बोलो a^, अगला बोलो x^a^3, up to --ncr, मान लो कोई आर्थ टर्म है, तो क्या लिखेंगे? ncr x^n-r a^r +--, ncn x^0 और a^n,
बात समझ आ रही है? अब चाहे यहां पर 2000 हो, कुछ भी हो सकता है, n belongs to, है ना, n belongs to whole number होगा। बात समझ में आ रही है? तो अपन पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है ना, खोल देंगे। ये किसने दिया? न्यूटन्स ने। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे खोलते हैं? x plus a to the power n equal to nc0 x की पावर n a की पावर 0 plus nc2 x की पावर n minus 2 a की पावर 2, है ना, nc3 x की पावर n minus 3 a की पावर 3। इसका मतलब जो पहला टर्म है वो पावर में घटता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो सेकेंड है उसमें पावर इंक्रीमेंट होती रहती है, एक एक इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है ना। और C क्या है यहां पर? NC0 क्या है? NC0 क्या है? NC0 हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ये इसको सॉल्व करने का भी थोड़ा सा मैं तरीका बता दूंगा, ज्यादा नहीं, बाकी चीजें अपन वहीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये NC0, NC1, NC2, NC3 ये बाइनोमियल कोफिशियंट है। ये कौन से कोफिशियंट है? बाइनोमियल कोफिशियंट। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा? बाइनोमियल कोफिशियंट है, ठीक है ना। और NCn ये सभी कैसे कोफिशियंट है? बाइनोमियल कोफिशियंट है। इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। बाइनोमियल कोफिशियंट है, क्या है? बाइनोमियल कोफिशियंट है। मान लो अगर मैं निकालना चाहूं x की जगह, a की जगह हम 1 पुट कर दें, कितना पुट कर दें? 1। तो 1 प्लस x की पावर या x प्लस 1 की पावर, जो भी आपको लिखना है, मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस x की पावर n। जरा बताना क्या होगा? एन सी जीरो, 1 की पावर कितना? n, x की पावर 0, यही होगा एन सी 1 x, क्योंकि a की पावर 1 की पावर हो जाएगा n माइनस 1, और x की पावर कितना आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1। अब 1 की पावर बार बार लिखना ही कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा? 1 ही आएगा। सो हम लिख सकते हैं प्लस एन सी टू, हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एन सी एन एक्स की पावर n। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे बोलो भाई। अगर मुझे कोई पूछ ले सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशियंट बताओ, सम ऑफ क्या बताओ? बाइनोमियल कोफिशियंट बताओ, तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा x इक्वल टू 1। कितना पुट कर दिया? x इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? इधर वाला, राइट साइड वाला लिखो, एन सी जीरो प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी एन इक्वल टू 2 टू दी पावर n। याद रखोगे रिजल्ट क्या है? एन सी 0 से लेकर एन सी एन तक का जो सम होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n होता है। बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? ठीक है, इतना नोट करो। ठीक हो गया। तो यहां पर जैसे कि अपन ने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था, ये टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म है, है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो वाला वन। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला कौन सा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, जैसे कि ये वाला टर्म कौन सा है बोलो? ये वाला, ये वाला दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना, ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला कौन सा हो जाएगा? अगर थर्ड था तो आर था, तो आर है तो क्या हो जाएगा? आर प्लस वन टर्म, है ना। तो मुझे एक जनरल टर्म यहां से मिल जाएगा, टी आर प्लस वन, या जनरल टर्म क्या होगा बाइनोमियल थ्योरम का, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशियंट। बाइनोमियल कोफिशियंट ना करके आप कोफिशियंट कर लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी निगेटिव आ जाता है, तो बाइनोमियल कोफिशियंट तो केवल यही रहते हैं, जो एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3 जो भी डेटा है, ये कौन से कोफिशियंट है? बाइनोमियल कोफिशियंट है। जबकि कोफिशियंट क्या होता है? वो विद साइन आ जाता है,
विद साइन मतलब चिन्ह के साथ, अभी तुम समझोगे नहीं। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहोगे? 2c0, वैसे तो अपन निकाल लेंगे, अपन उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 2c0 x की पावर 2 एंड 2 की माइनस 2 की पावर 0, इसे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा बेसिकली x प्लस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। आ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि मैंने प्लस चिन्ह लेके ही समझाया है, a आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव, x भी कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। आ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप क्या लिखोगे? 2c0 x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0 प्लस क्या लिखोगे? 2c1 x की पावर 1 माइनस 2 की पावर बोलो 1, वेरी गुड, प्लस 2c2 x की पावर 0 माइनस 2 की पावर 2। एक चीज तुम्हें मैं समझा दे रहा हूँ इधर, कि अगर आपको मान लो 5c2 निकालना है, मैं बिल्कुल शॉर्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होता है, 5 को जितना ये लिखा है उतना पीछे लेके जाओ, तो कितना लेके पीछे जाना है? 2 पीछे लेके जाना है, तो 5 से पीछे क्या आता है? 4 अपॉन, और इसको भी पीछे ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा बोलिएगा? 10 आ जाएगा। वैसे तो हकीकत फॉर्मूला ये है NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NCR इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो? फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा है जैसे कि 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा है? 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को दिखाने का तरीका अलग अलग है, कोई ऐसे दिखा देता है, कोई ऐसे दिखा देता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप इंटीग्रल वैल्यू को पीछे लेके जाओ 1 तक, कब तक? 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो 5 4 3 2 1 कितना हो गया? जितना भी हो गया कितना हो गया? 120 हो गया ना, तो 120 हो गया, ठीक है ना। तो आप जब 5c2 को, ये एक्चुअली शॉर्ट मेथड है ना, इसको 5c2 ऐसी चीजों को सॉल्व करने का कि जितना नीचे लिखा है उतना पीछे ले जाओ और नीचे वाले को पीछे ले जाओ, काट दो, वही आंसर आएगा। जैसे कि मान लो अगर इससे अपन करना चाहें 5c2 को इस वाले फॉर्मूले से करना चाहें तो कैसे करेंगे? बोलेंगे 5c2 तो लिखते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 एन माइनस आर फैक्टोरियल, कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल। देखो जरा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 है ना, 6 होती है, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1 = 2, तो 6 × 2 = 12, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, 120 अपॉन 12 कितना आ जाएगा? 10 आएगा ना, तो वही आए, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे वही आ रहा है यार। हाँ, हम बात क्या करना चाह रहे थे, हम ये बोलना चाह रहे थे कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। तो 2c0 हमेशा एक चीज और याद रखना है ना, ये एक्चुअली आपको पीएनसी में पढ़ा दिया जाता है, NC0 हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है, और ये बराबर होता है NCN के, NCN के। बात समझ में आ रही है? और यहां पर कंडीशन यही है कि n हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव, ठीक है ना, n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं लिखूं n ग्रेटर देन 0 एंड r शुड बी ग्रेटर देन 0, बात समझ में आ रही है? और फ्रैक्शन भी नहीं होता है, फ्रैक्शन भी नहीं होता है ना, होल नंबर्स टाइप्स होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऊपर वाला तो 100% 0 से बड़ा होगा, नीचे वाला 0 हो भी सकता है, अभी देखा ना अपन ने, ठीक है ना, और ऊपर वाला हमेशा 0 से बड़ा होगा। अरे चमक रही बात की नहीं? वैसे n ग्रेटर देन 0 लिखना भी पाप है, क्योंकि इसमें 0.5 आ गया, 1.5 आ गया। अरे बोलो यार, मैं कह रहा हूं पूरा ग्रेटर, इसका मतलब होल नंबर टाइप का आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, नेचुरल आएगा, ऊपर वाला नेचुरल आएगा, नीचे वाला होल आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। तो यहां पर बस आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो n ग्रेटर देन 0 अगर कंडीशन लगाओगे तो ऑफिशियली गलत है, क्योंकि उसमें 1.5 घुसा, मतलब फ्रैक्शन काफी घुसा हुआ है। बोलो यार, वो तो कहेगा यार रियल पॉजिटिव नंबर, समझ गए ना, आप सभी समझदार हो। हम क्या कहना चाहते हैं, एन सी एन
और एनसी जीरो बराबर होता है। उसका कारण क्या है, उसका एक प्रॉपर्टी ये वाला कारण है कि एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर। एनसीआर बराबर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर। एनसी एन बराबर क्या होगा, एनसी एन माइनस एन, तो कितना आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो एनसी जीरो और एनसी एन ये सभी कितने होते हैं, वन होते हैं। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, इसमें वैल्यू पुट करके देखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, कितनी होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। ये कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप उसको लिख लेना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो मैं ये कह रहा था मिस्टर ओम कि ये टी वन है, ये टी टू है और ये टी थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन हो जाएगा। तो ये एक जनरल टर्म मिल जाएगा आपका, जैसे जनरल टर्म हर जगह मिला था ना, कहाँ कहाँ मिला था बताओ, जब क्वाड्रेटिक पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, अपन जनरल चीजें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ऐसी जनरल टर्म अपन पढ़ रहे हैं कि आर्थ टर्म क्या हो जाएगा, कि आर्थ होगा कि आर प्लस वन टर्म होगा, आर प्लस वन टर्म होगा, क्या होगा, एन सी आर पहले का एन की पावर है आर, एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। जरा देखूं मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, मिटा दूं, ठीक। तो आपका जो जनरल टर्म आया बाइनोमियल, मान लो आर प्लस वंथ टर्म, इसे जनरल टर्म बोल देते हैं, क्या होगा, क्या होगा, एन सी आर, बोलो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर। अच्छा कुछ लोग टेंशन में आ रहे हैं, बोल रहे हैं आपने एक्स प्लस ए क्यों लिया, मैं तो एक्स प्लस वाई लूंगा। ले ले भाई, ले ले यार एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, वैसे चलेगा वो तो, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, हमने एक्स प्लस ए ले लिया, थोड़ा अलग ले लिया, दिख जाए, चमक जाए, है ना, अपना अपना तरीका है, कुछ भी ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन लिखे तो ज्यादा मजा आएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। या क्वेश्चन से पहले मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया था, आप मुझे ये बताओ, सम ऑफ कोफिशिएंट सिखाया ना, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है। वो लोग का क्या काम करना पड़ता है, जैसे कि मान लो अगर मैं लिखूं x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, है ना, प्लस फोर वाई स्क्वायर, यही तो आएगा, अरे यही आएगा भाई, यही आएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट जब सॉल्व, बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सप्रेशन से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अपन ने वैसे रटा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, है ना, बात सेम है। इनका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका इसका, तो ये हो गया वन, ये हो गया फोर, ये हो गया फोर। इनका अगर मैं सम कर दूँ तो कितना आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। और मैं एक चुटकी में आंसर आ जाएगा तो एक मिनट में, उसमें क्या करो आप, एक्स बराबर वाई बराबर वन को क्या पुट कर दो, वन। जब भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट, तो आप क्या लिख दो, वेरिएबल इक्वल टू वन, क्या पुट कर दो, हा? तो यहां पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, जैसे मैंने वन पुट किया तो वन प्लस टू थ्री, थ्री की पावर, थ्री की पावर टू कितना आएगा, नहीं नहीं आएगा, तो आपको खोल के नहीं देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका मतलब अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, नोट लगा के लिखेंगे आप, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, देन पुट वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो, कितने भी वेरिएबल हो, पुट कितना करना है, वन ही पुट करना, बात खत्म नहीं हुई अभी, कितना पुट करना है, वन ही पुट करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या चल रहा है, 2023, कितना होगा, तो आप जब इसको खोलने जाओगे, अब देखो आप कुछ लोग फिर टेंशन में आ जाएंगे, उन टेंशन का कारण ये है कि वो बोलेंगे तुमने तो दो ही सिखाया है, यहाँ पे तो तीन तीन आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, इसे p मान लेंगे। अरे यार बोलो,
पी प्लस जेड की पावर 2023, फिर खोलेंगे, फिर पी प्लस जेड आ रहा होगा सबके साथ में, अरे सोच के देखो, फिर उसको खोलेंगे, पर एक को थोड़ी खोलना है, पी प्लस जेड पता नहीं किसने बाहर घुसा पड़ा है, अरे बोलो पागल हो जाओगे, सन्नाटे में जीवन निकल जाएगा। आपको बताना क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ क्या करोगे, मास्टर ने बोला क्या बोला, वेरिएबल इक्वल टू 111 क्या हो जाएगा, 3 की पावर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ जाएगा, छाप लो। ठीक, ये वाला नोट कर लेना भाई, ये भी जरूरी है, इसको नोट किया, हाँ करिएगा। हाँ जी, इसको मिटा देते हैं ना, ठीक। ठीक है, ओ अब मैंने अभी तुम्हें दो चीजें बताई कि बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोफिशिएंट क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं NC0, NC1, NCn, और कोफिशिएंट क्या होते हैं, होते तो ये भी है प्लस विद साइन के होते, जैसे कि और कुछ नंबर से, जैसे अगर मैं बोलूं x माइनस टू बाई का होल स्क्वायर, आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस का 4x बाई एक्स या x बाई प्लस का 4 बाई स्क्वायर प्लस का 4। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको दो चीज दोनों बताने, आपको कोफिशियंट बताना है, कोफिशियंट क्या क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई कितना है, -4, क्या आया, -4, और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, हाँ जी 4। और अगर मैं यही बात करूं कि बाइनोमियल कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, वो भी 1 है, बाइनोमियल कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई कितना है, तो मुझे देखना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा के, कैसे लगाएं, लगाते हैं जरा, कैसे लिखा है, एक्स माइनस 2y की पावर 2, लिखेंगे 2c0 एक्स की पावर, बोलो 2, माइनस 2y की पावर 0 प्लस 2c1 एक्स की पावर 1 माइनस 2y की पावर, बोलो 1, अरे बहुत लेट हो भाई, जल्दी बोला करो, और माइनस 2y की पावर 2 कितना, तो अब इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, 2c0, केवल और केवल 2c0, 2c0 मतलब 1, nc0 तो 1 ही होता है, बाइनोमियल 2c1 ये किसका है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2c1, ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसका क्या है, 2c2, ये वाला छूट गया कि नहीं छूट गया, अरे छूट गया ना, -2 -2 छूट गया कि नहीं छूट गया, अंतर समझ में आया, यहां पर मैं बोल रहा था एक शब्द बोल रहा था साइन के साथ लेते हैं या बिना साइन, विदाउट साइन लेते हैं, प्लस यहां पर कुछ नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, मेरी इस भाषा में ना उलझे, आप तो सीधा देखो 2c0 2c1 2c2 ये क्या है, bt है, सॉरी bc है, बाइनोमियल कोफिशिएंट,
और केवल कोफिशियंट क्या है, कोफिशियंट में ये तो आएगा ही आएगा, और बचा हुआ मामला जो भी साइन आ रहा है जो भी, ये पूरा आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये क्या है, 2C0, ये क्या है 2C1, और बायनोमियल कोफिशियंट ऑफ बाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 2C। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, चमका कि नहीं चमका, चमका ना। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उधर लिखा है, क्या लिखा है, 1 माइनस बोलो जरा की पावर होल पावर 2, इसे 20 कर लो, कितना भी कर लो अपने हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। अब वो पूछे फाइंड द सम ऑफ क्या होगा, बता दोगे? अरे बता ही दोगे ना, कैसे करोगे, वेरिएबल इक्वल टू 1। अच्छा वो पूछे फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बता दोगे? अरे बता ही दोगे ना यार, बता दोगे ना, 20C0 प्लस 20C1 ऐसे कर दोगे ना, 20। ओहो बोलो यार, बता दोगे, दिक्कत कहाँ आती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट में दिक्कत ही नहीं आएगी ना। अरे इसमें क्या दिक्कत आएगी, 20C0 20C1 20C20 बराबर की कितना आएगा, 2 की पावर 20। अरे एक्सप्रेशन सिखाया है अभी, 20C0 से 20C n तक क्या होता है, 2 की पावर n होता है, 20 की पावर 20 हो गया ना। तो ये तो आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया सम ऑफ हाँ बाइनोमियल कोफिशिएंट। समझे कि नहीं समझे? अब मैं पूछूं सम ऑफ कोफिशिएंट, क्या पूछूं, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या पूछूं, सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट में अपन क्या करेंगे लाला, बोल, वेरिएबल इक्वल टू 1, उसको खोलेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना, उसमें टेंशन आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, ठीक है, पुट कर दो, लिखेंगे 1 माइनस 2 प्लस 3 की पावर 20। हाँ जी कितना आया, 2 की पावर। इसका मतलब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका सम भी और इसका सम भी कैसा आ रहा, सेम आ रहा, क्या दिक्कत है, ठीक। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आएगी नहीं आई, छाप लो फिर। ठीक हो गया, एक चीज और जरा देखने वाली, नोट तो कर लिया ना, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 20 आया है, यहाँ पर भी 2 की पावर 20 है, कुछ बच्चे फिर से कन्फ्यूज है, बोल रहे नहीं तो सेम आ गया। मैंने कहा यहाँ अगर प्लस कर लेगा ना, मान लो, मानने में क्या जा रहा, मान ले क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड एज वेल एज सम ऑफ कोफिशिएंट। अब बच्चा बोल रहा दोनों में समान आ गया, मैंने कहा ले प्लस कर ले तू, अगर तने प्लस किया लाले तो 3 2 5 और 1 6 तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर 20 आएगा, क्या कोफिशिएंट, पर बाइनोमियल कोफिशिएंट वही रहेगा। अच्छा कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे, मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें 1 4 ये कितना आया, 1 आया, सम ऑफ कोफिशिएंट यहाँ से कितना आया और यहाँ से कितना आया, ये 1 है, ये 1 है, 1 1 2 और ये कितना है 2 2 2 4, और अपने को पहले से पता है 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 2 की पावर कितना आएगा, 2 ही आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, कहीं कम आ जाए कहीं ज़्यादा आ जाए, है ना, वो तो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन क्या है आपका, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये माइनस आइनस के चिन्ह की वजह से गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ले लें, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 इन पॉलीनोमियल लिखो, क्या है, 1 माइनस 6x, ठीक है, प्लस 15x स्क्वायर, लिख रहे हो,
-20x³ - 6x + 15x² - 20x³ + 15x⁴ टेंशन मत लो, +15x⁴ - 6x⁵ + x⁶ की होल पावर, इस पूरे पॉलिनोमियल की होल पावर 45। एक बार बताओ क्या बोला मैंने, 1 - 6x + 20x³ + 15x⁴ - 6x⁵ ओके +x⁶45। पूछा गया है इसमें, मुझे बताओ क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 30। मुझसे पूछा है कोफिशियंट। अब लोग टेंशन में, उसका कारण है कि भाई इतना बड़ा आपने तो मुझे बस ये सिखाया कि x + a⁴ हमें कुछ नहीं आता। अच्छा कुछ इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, c₀ x⁻ + a₀ + c₁ x⁻ - 1 a₀ + c₀ x⁻ - 8 a₀ + c₁ x⁻ - 0 a₀ समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? बोलो भाई, हमको ये पता है, ये तो बड़ी बीमारी दे दी उसने, जो पॉलिनोमियल दे दिया उस पर पावर और दे दी 45, और इसमें मुझे क्या बताना है, x³ बताना है। बड़ा आसान है, अगर आप घूर के देखो, मोहब्बत से देखो, इसे देखो जरा, देख रहे हो, ये x⁻ 0 है, x⁻ 1 है, x⁻ और बढ़ती जा रही x⁻ 6 है। अगर मैं देखूं कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 6 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 6 है। अब मैं इसे देखता हूं, मैक्सिमम पावर कितनी है, n है, तो वहां पर भी a₀ a की पावर n है, सही बात है नहीं? अब मैंने देखा पहले आता है c₀ का मतलब क्या है, mc₀ मतलब जो भी आपका है पावर, है ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, क्या इसे मैं 6c₀ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, 6c₀ तो कुछ भी बन होता, क्या मैं इसे 6c₁ लिख सकता हूं? अरे बोलो यार, c₁ 6c₁, हाँ जी, इसे 6c₂। बोले ऐसे कैसे लिख सकते, पहले ट्राई करो। मैंने कहा दो पीछे ले जाओ, 6 × 5 है ना, और अपॉन 2 तो कितना हो गया, 15 ही आएगा, एकदम सही है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने क्या बोला, ऐसे क्या लिख सकते हैं, 6c, और जब देखा 6c₃ सेट हो गया, मतलब मामला ये c₄ है, ये c₅ है, और ये 6c₁ होता है, सबको पता है मोहल्ले गली में। अच्छा, मतलब ये कुछ ऐसी चीज लिखी है, आपने कैसी बनानी है, ऐसी बनानी है ना, कैसे बनाए जरा देखो, 6c₀ x⁻ a₀ 6c₀ x⁻ मतलब पहले वाले की पावर क्या आएगी, बड़ी आएगी, n कितना है, 6 है, और फिर बाद वाले की पावर आएगी 0, यानी कि बाद वाले की पावर बढ़ रही, बढ़ती किसकी पावर है, बाद वाले की, अरे बाद वाले की बढ़ती है, बताया तो था, और पहले वाला यहां पर बन रहा है, क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, वो बन नहीं रहा होगा, 1 है ना, तो मैं लिख सकता हूं, ये लिखा है 1 + x⁶। अब जब प्लस लगाया तो एक और बीमारी आ गई, यहां तो माइनस भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा, और बेटा माइनस तभी आएगा जब ऑड की पावर, नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड आए, तो कहां का आएगा, c₁ पर आएगा, देखो c₁ पर माइनस होगा, c₃ पर माइनस होगा, c₅ पर माइनस होगा, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए ये वाला, ठीक है ना,
तो आप जिसे पढ़ें तो रिवीजन आर, कैपिटल आर डाल दें जब भी बाइनोमियल थ्योरम हम रिवीजन करें, तो इस क्वेश्चन का जरूर ख्याल रखें, ठीक है ना, रिवीजन करने से पहले। तो आपको ऑड पर, ऑड जगह पर, जो ऑड जगह है वहां पर क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, उसका कारण है 1 माइनस एक्स क्यू ओवर 6 लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई। और इस पूरे की पावर क्या बोल देंगे लाला, 45। ये पूरी वाली बीमारी अपन ने इस छोटी सी जगह में समेट दी, समझ में आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया ये बोलो, 6 5 30, 6 4 24 और 3 27। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? अब मुझे निकालना क्या है, अभी काम खत्म कहा हुआ, अभी तो छोटा सा सवाल, बड़ा सवाल छोटा बना। मुझे निकालना क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 13 क्या होगा। अच्छा, आपसे ज्यादातर कोफिशियंट ही पूछेगा, बाइनोमियल कोफिशियंट तो बहुत आसान है, क्या करोगे, 2 की पावर 70 आ जाएगा, 2 की पावर 270 आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें साइन नहीं लेते हैं, सीधा सीधा NC1 NC2 NC0 ये सब ले लेते हैं। कोफिशियंट क्या पूछा है, क्या सम ऑफ कोफिशियंट पूछा है, नहीं, सम ऑफ कोफिशियंट पूछता है तो इसमें x बराबर 1 डालते 0 आ जाता, क्या था सबका सम आ सकता है ना, कुछ पॉजिटिव आ जाए कुछ निगेटिव आ जाए, काट पीट के 0 आ सकता है, ठीक। अब मेरे से पूछा x की पावर 13, तो हम किसकी मदद लेंगे, जनरल टर्म की, एक फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, तो मुझे x की पावर 13 चाहिए, ओके 13 चाहिए, चलो पहले आप आ जाओ, r plus 1th टर्म होता है NCR, बोलो जरा, x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये होता है कि नहीं होता, मदद लो, आ जाओ, ठीक है, टी आर प्लस वन बराबर क्या लिखेंगे, 270 सी। मैं चाहता क्या हूं, ये पहला x होता है, उल्टा लिखा है, ध्यान रखिएगा मामला निपट जाएगा, अपन ने पहले x की तरह से ट्रीट करते हैं फिर a आता है, यहां पर a की जगह x, अरे दिक्कत है क्या, समझदार हो आपको तो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कहा तुम आ रही रहो, मुझे नहीं पता कितना होगा, हालांकि चुटकियों का काम है अपन सीख जाएंगे, पर अपन पहले ध्यान से समझते हैं, NCR 270 R 1 की पावर, क्योंकि यहाँ पर पहला 1 है, 1 की पावर क्या आएगा, 270 माइनस R, फिर क्या चाहिए, x की पावर R, इसको मतलब x R की जगह कितना पुट करना है, आ गया ना 13 ही तो पुट करना है ना, तो बेटा R की जगह कितना पुट करना है, चूंकि हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, x की पावर 13, तो मुझे R की पुट क्या करना पड़ेगा, पुट क्या कर रहा हूँ, पुट R इक्वल टू 34 एक्स की पावर 13, सही। तो कौन सा टर्म है, 14 टर्म है, कौन सा टर्म है, इस एक्सप्रेशन का 14 टर्म होगा, जहां पर x की पावर कितनी आएगी, 13 आएगी, क्या और कोई होगा, और कोई कैसे होगा, बढ़ता रहेगा वो तो ठीक है, टी 14 इक्वल टू 270 13, 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी 1 ही है, आ जाएगा ना यार, घटा देंगे, और x की पावर कितना आ गया, अब मुझे बताओ x लिखूंगा कि माइनस x लिखूंगा, माइनस x लिखोगे निपट जाओगे, फिर से निपटोगे, ये माइनस है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस एक्स की पावर आर, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस एक्स की पावर 13। तो अब मुझे बताओ जरा, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 13 क्या आएगा, 270 सी 13, सही है कि नहीं सही है, क्योंकि तो ये तो बनी बन जाएगा, सही है कि नहीं सही है, गलत, माइनस भी तो आएगा, अरे बाबू कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ये माइनस भी तो आएगा, है दहेज में थोड़ी है, ये माइनस भी आएगा, इसलिए क्या बेटा इसका जरूर ध्यान रखें, अब सही छाप लो, कोई डाउट है छापो।
माइनस 273 13। इसको सॉल्व करना आसान है, पीछे ले जाओ है ना, या फिर आप फॉर्मूले से लगा लो, अपने को बस यही सीधा ऑप्शन में मिलेगा है ना, टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन लिखो फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सप्रेशन 2x माइनस, द एक्सप्रेशन 2x माइनस y अपॉन 2 की पावर 6। क्या बताना है? फोर्थ टर्म कौन सा बताना है? बता दो, मुझे पहले से पता है, फटाफट बता दो बच्चों। हाँ जी बता दो, फोर्थ टर्म। हाँ रोहित समझ में आ रहा है? मृणाल आ रहा समझ में? हाँ जी आया, क्या है आंसर? दांत निकालता है, आंसर नहीं निकालता है, बस दांत निकालने में नंबर बना। चश्मेश आया, कितना आंसर? इतना शर्माते क्यों, लड़की हो क्या? चलो मैं बताता हूँ, फोर्थ टर्म बतानी है, फोर्थ टर्म बतानी है, तो T4 बताना है। कितना बताना है? फोर्थ टर्म बतानी है भाई, T4 ही बताना है। देखा अभी क्या समझाया इन्हें, फोर्थ का मतलब फोर्थ ही टर्म होती है यार, आर की वैल्यू थ्री हो। अब आइटम लोग को कौन समझाए भाई, है ना, सब आइटम भरे पड़े, पप्पू एक नंबर, तो क्या समझाए। आर T5 बताओ भाई, T4 बताओ ना यार, T5 क्यों बताओगे? T4 को ऐसे लिखते हैं, 3+1, शर्म आ गई, 7C3 2x की पावर 7-3 माइनस y अपॉन 2 की पावर, हाँ जी बोलिएगा, 7C3 2 की पावर कितना आ जाएगा? हाँ जी एक्स लिख देंगे, हमें नंबर बताओ पहले कितना आएगा। हाँ जी 16, मतलब 2 की पावर 4 आएगा, जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बताएंगे। माइनस 1/2 की पावर कितना आएगा बच्चों? 3। हाँ और माइनस y की पावर कितना आ जाएगा? 3। अब आपसे अगर कोफिशियंट पूछा जाता, आपसे अगर माइनस ऑफ जब उसमें ले लिया तो उसमें नहीं लेंगे, अगर आपसे कोफिशियंट पूछा जाता तो कोफिशियंट क्या हो जाता? ये और ये, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बायनोमियल कोफिशिएंट 7C3, सिंपल सा, इसमें कोई डाउट है ना, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है जरा देखो, लिखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 इन गिवन एक्सप्रेशन। फटाफट करो,
कुछ भी लगे। हुआ जरा देखो क्या पूछा है, 2x² माइनस 1y³ की होल पावर 6 पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन क्या दिया, x की पावर का कोफिशियंट बताना। कोफिशियंट ऑफ x टू दी पावर 3, ठीक है। तो हम वही करेंगे, TR+1 इक्वल टू 6CR+1 है ना, 2x² की पावर 6 माइनस आर प्लस वन इंटू माइनस वन वाई, बोलो माइनस वन वाई एक्स क्यूब मतलब होल क्यूब की पावर कितना R, यही है कि नहीं। आपको क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। तो अगर मैंने r की वैल्यू 2 डाल दी, मान लो है ना, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, r की वैल्यू 2 डालनी, क्योंकि दोनों पर डिपेंड कर रहा है, अब तो दोनों जगह x है, तो r की वैल्यू 2 डाली, तो ये कितना आया 6 माइनस 3, तो कितना आया 3, कितना आया 6 माइनस 3 3, तो x की पावर 6, 2 की और पावर 3 है तो 6 हो जाएगा, और यहां से कितना आया x की पावर माइनस, कितना आएगा 6 आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, इसी r की कितना डाला है 2 डाला है, x की पावर माइनस, आप इसे ऐसे लिख दो माइनस x की पावर माइनस, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते 1/x को, अरे 1/x को लिख सकते ना, x की पावर माइनस 1 है ना, ऐसे लिख सकते हैं है ना, और अगर नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे ही लिखा रहेंगे, अंडरस्टूड। तो नहीं आएगा 3, क्योंकि मुझे x की पावर 3 चाहिए, अब मैंने क्या 1 डाला, 1 पर भी नहीं आएगा, 3 डालो, कितना डालो 3 डालो, तो ये कितना 6 माइनस 4 कितना आएगा, तो कितना होगा 2, ये 2 जा 4, x की पावर 4 आ गया, और r की ये कितना पुट डाला अपन ने, 2 डाला कि नहीं डाला, 2 डाला है ना, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6
सिक्स हो जाएगा ना। नाइन आएगा ना, तो फिर जो यहां पर नाइन आया वो तो वन अपॉन आया, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आया, और यहां पर कितना आया एक्स स्क्वायर, कितना आया, कितना है बच्चों फोर, तो वो तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आया ना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आया गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक करो कि यही क्वेश्चन था कि क्वेश्चन गया था, एक बार चेक करो। पूछा क्या था, टर्म पूछा है थर्ड या फिर कोफिशियंट पूछा है, बोलो है ना। तो वहां पर कोफिशियंट अगर पूछेगा तो फिर यहां पर नहीं आ पाएगा है ना, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं भाई, बनेगा ही नहीं। एक्चुअली मैंने कुछ सोच समझ के नहीं ऐसे रैंडम पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक्स और थ्री का कोई कोफिशियंट नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा जीरो, आंसर तो देना पड़ेगा, आंसर तो क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कभी कभी कोफिशियंट दे दिया उसमें मिल ही नहीं रहा, तो वो टाइम वेस्ट करने के लिए, किसके लिए, आपका टाइम खराब करेंगे, आप आगे समझो अपन ही गलत है, अपन गलत नहीं सही है, अपन वहाँ पर मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। और अगर किसी का कोफिशियंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब उसका क्या है जीरो है, वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करा अपने आप कोफिशियंट दिख जाएगा। ओके ठीक है, इसका सेकंड पार्ट लिखो, ये तो लिख दिया ठीक है ना, इतना नोट कर लो। और सेकंड पार्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टर्म, फाइंड द टर्म ऑफ एक्स की पावर फोर, हाँ फाइंड द टर्म ऑफ एक्स की पावर फोर निकाल।
कितना आया? नहीं आ रहा होगा, आ रहा है क्या? एक्स और फोर टर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उसका भी क्या आंसर आएगा? मैं पागल बना रहा था बेसिकली, मुझे थोड़ा सा मेहनत करवाना था इस पर, सोच माना था और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया? इसका भी जीरो आएगा। बट आपने सोचा है ना, इससे क्या पता चला कि अपने को कैसे निकालना है किसी की पावर। अभी आगे जाके क्वेश्चन अपने को बनाने पड़ेंगे ऐसे ही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट फाइंड द, एक काम करो इसी में थोड़ा सा चेंज कर लो, फाइंड द टर्म ऑफ x की पावर 3 इन गिवन एक्सप्रेशन। यहां पर इतना सा चेंज कर लो, फाइंड द टर्म ऑफ x की पावर 3 इन गिवन एक्सप्रेशन 2x² - 3x - 1/3x ⁄6। देखो इस क्वेश्चन को वैसे ही करना, आपसे क्या पूछा है? x की पावर 3। अब x की पावर 3 पूछा है तो आप क्या करोगे? लिखोगे tr+1 = 6cr, है ना, 6cr 2x² - 6 - सही कर रहा हूं मैं, 6 - r इंटू -1/3x^r, ठीक है ना। आपको x की पावर कितनी चाहिए? 3 चाहिए। आप x की पावर 3 चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप क्या, कोई गलत है? ठीक है, तो 6 - r को आप यहां पर अगर r की जगह 3 पुट कर देते हैं अपन, तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर की जगह आप 3 पुट करो, r = 3 पुट करो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हो रहा है कितना? 3। तो ये 3 6 हो जाएगा और ये कितना? 3 हो जाएगा। तो अपना 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? t⁴ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कितना आ जाएगा? 6c⁴ 2x² / 3 एंड -1/3x^3। अगर इसमें सेकंड क्वेश्चन बोल मैं बोलूं, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन ये है, जल्दी से लिखो और जल्दी लिखो, ठीक है ना, लिखो जरा, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? कि एक्स उपस्थित ना हो, मतलब एक्स की पावर कितनी है? 0। आ समझ आ रहा है? तो x की पावर वो 0 चाहता है, उसका आंसर निकालो फटाफट। कर लोगे? देखो एक तरीका ये है, आपको हिट एंड ट्रायल ना करना पड़े, उसका एक और मैं अगर आपको आसानी से काम बता दूं, आप पावर क्या कर लो, 6cr है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर, मतलब ये हो जाएगा बेसिकली, क्या हो जाएगा ये, अगर मैं देखूं 2x² है तो ये हो जाएगा 2 की पावर, तो अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 6 - r और x की पावर क्या हो जाएगा? 2x² - r हो जाएगा। अरे यार दिख नहीं रहा क्या? थोड़ा मैं जल्दी बताना चाह रहा हूँ, जरा इधर देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? 6cr, यहाँ पर क्या है? x की पावर 2, तो x की पावर लिखा क्या है? x की पावर, ये क्या लिखा हुआ है? 6cr, 2 की पावर पहले बताओ क्या लिखा है? 6 - r है ना, और -1/3 की पावर कितना लिखा हुआ है? r। अब वेरिएबल की पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, x की पावर 2x - r है ना इंटू x^-r, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? ये x की पावर -1 हो गया, -1/r, तो टोटल कितना है? x की पावर 2, कितना लिखूंगा? 2 6 - r - r, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे आना चाहिए यार। तो कितना हो जाएगा ये? इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कितना निकल गया आएगा? r = 3 निकल गया है।
अब इसी चीज को जब कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ट्वाइस ऑफ सिक्स माइनस आर माइनस ऑफ आर इक्वल टू कितना कुछ करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रही बात की नहीं, यही आ रही है, यही करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 12 माइनस 2r माइनस r इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 3r इक्वल टू माइनस 2, 12 तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब r इक्वल टू इसमें 4 डालोगे 100% x की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आप कौन सा टर्म निकाल दोगे, फिफ्थ टर्म निकाल दोगे। जरा एक बार और ध्यान दो, कर लोगे होमवर्क है, नहीं समझ में आए घर से ट्राई करना, नहीं आए तो कल डाउट सेशन में पूछ लेना। मिडिल टर्म क्या होती है, पहले मुझे ये बता, ये बात बताओ कि आपका जो एक्सप्रेशन होता है एक्स प्लस टू का स्क्वायर, तो इसमें कितनी टर्म होती है, थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। अगर इसकी पावर एन होगा तो कितनी टर्म होंगी, एन प्लस, देखो जीरो से स्टार्ट होता है ना, एन सी जीरो से लेके एन सी एन तक, तो वन से एन हो गया और एक वो हो गया, एन प्लस वन टोटल टर्म कितनी होती है, एन प्लस वन। अब मिडिल टर्म, ये मेरा हाथ है, कितना है, पांच उंगलियां हैं, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, बीच वाला होगा कि नहीं होगा, ये है ना मिडिल फिंगर होगा कि नहीं होगा। तो अपन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म मिडिल टर्म है, तो आप कैसे निकाला होगा, फिफ्थ प्लस वन सिक्स बटे दो, तो कितना आ गया, थ्री आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब, इसका मतलब मुझे टर्म देखनी पड़ेगी कितनी है, मान लो अगर फोर है, कितने हैं, तो दो मिडिल टर्म है, ये वाला ही मिडिल है, ये वाला ही मिडिल है, अरे बोलो यार। तो अगर तो डिपेंड करेगा n पर, n क्या है, मान लो n क्या है मिडिल टर्म में, अगर n ऑड नंबर है कैसा है, या n कैसा है इवन नंबर है, कैसा है इवन नंबर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी, सॉरी टर्म कितनी आएंगी, इवन, n प्लस वन आएंगे ना, अगर n है तो n प्लस वन आएगा ना। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि मिडिल जो n की वैल्यू 9 है, कितनी है, तो टर्म कितनी आ रही है, 10 आएंगे, कितनी आएंगी, वो टर्म अपन ने डिफाइन कर दी, कैसे डिफाइन कर दी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 10, ठीक है ना। अब ये 10 टर्म है, अब जब 10 टर्म है तो मिडिल टर्म कितने आएंगे, 2। बात समझ आ रहे, एन के इवन होने पर 2 आ रहे हैं कि ऑड होने पर, ऑड होने पर, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अपने को एन वेन से मतलब ही नहीं है, अपने को एन वेन से मतलब ही नहीं है, हालांकि वो मतलब अपने को बाद में नजर भी आ जाएगा, कि अपने को तो ये पता कर लो कि टर्म कितनी है, टर्म इवन है, तो अगर इवन है तो बताओ 10 कितनी उंगली है, 10 है, तो मिडिल कौन सा होगा, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला। तो अपन ने कैसे किया, 10/2 फिफ्थ, और उसमें एक और जोड़ दिया 10/2 प्लस 1, प्लस 1 अलग से जोड़ा है, तो कितना आ गया 6, तो कितनी टर्म हो गई। सो इन दिस केस टू मिडिल टर्म्स कितनी, 1 इज टी एन प्लस 1/2 और सेकेंड वन इज टी एन प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। तो अगर मैं कोफिशियंट पता करूं, कोफिशियंट तो क्या करेंगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अरे यार जब एन सी आर लिखते हैं तो एन सी आर लिखते हैं कि एन सी आर आर प्लस वन ही लिखते हैं, एन सी आर लिखते हैं, तो उसमें से एक घटाना पड़ेगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एन सी आर लिखा तो ये आर लिखा तो आर प्लस वन में एक घटाना पड़ेगा, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कराओ तो कितना आ जाएगा, एन प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, इसका मतलब मैं लिख लूंगा एन सी माइनस 1/2। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं फिर से लिख रहा हूँ एन सी, यहाँ से माइनस 2 करूंगा, एन माइनस 1/2 और सेकेंड क्या आएगा, एन सी इसमें माइनस करूंगा तो कितना आएगा, एन बाई टू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सही है ना, एन प्लस 1/2 आएगा भाई, एन प्लस 1/2 आएगा, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा ना, तो एन प्लस 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली ये वाला केस फटाफट देख लो, इसमें कितना मिडिल टर्म आएगा, 5 मिडिल, इसमें कितना है, एक ही मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि ये एन इवन है तो मिडिल टर्म कितने आएंगे, और जैसे 9 है तो 9 का एक ही आएगा, कौन सा, फिफ्थ आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी एन, अब एन 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 प्लस 1, इससे डिपेंड मत करना, ये ऑड है, ये कितना है, ऑड है, तो ऑड को इवन बनाओ, तो ऑड को इवन बनाने के लिए प्लस 1 अपॉन 2, तो इसको लिख देंगे टी एन प्लस 2/2, तो कोफिशियंट क्या आएगा, कोफिशियंट क्या आएगा, बोलो बच्चों क्या आ जाएगा,
एम सी एन बाई टू, सही है। जब माइनस टू करेंगे, जब माइनस वन करेंगे तो वही आ जाएगा, सही है। यहाँ पे जरा देखो यार, माइनस वन कर रहे हैं तो यार सही, एकदम सब सब जगह सही है, आएगा समझ में। तो आज अपन ने बाइनोमियल थ्योरम की बेटा शुरुआत की है ना, उसको वो क्या होता है ना, उसके आपने एक्सप्रेशन के बारे में जाना और कुछ क्वेश्चन किए है ना, और अपन ने ये भी सीखा कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। बस समझ आ रही, अगली कक्षा में अपन आगे की चर्चा जारी रखेंगे। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।